हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टीचिंग यू स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। नाउ ओपन दिस बुक, चैप्टर नंबर 6, डिफरेंस रिलीजियंस। यानी कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जो रिलीजियंस है उसके बारे में हमें ये दिया गया है। ब्रीफ इंट्रोडक्शंस टू सम रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन बिलो, स्टडी देम। तो यहाँ पे हमें कुछ धर्मों के बारे में हमें बताया गया है, तो हमें उसको स्टडी करना है। फर्स्ट है हिंदूज गो टू द टेम्पल टू वर्शिप द श्रीमद् भागवत गीता, द रामायण एंड द महाभारत आर द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदुज़म। तो हिंदू लोग कहाँ पे पूजा करने जाते हैं, तो ये हमारा हिंदू धर्म का मंदिर है, तो वो कहाँ पे जाते हैं, तो कि मंदिर में जाते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता, रामायण एंड महाभारत, वो हमारे जो हिंदू धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है। सेकंड है मुस्लिम गो टू द मॉस्क टू प्रे टू गॉड। मुस्लिम कहाँ जाते हैं इबादत करने के लिए, तो कि मॉस्क यानी कि मस्जिद में जाते हैं। दे रिलीजन इज इस्लाम, और उसका धर्म क्या है, इस्लाम। प्रोफेट मोहम्मद इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, द कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। तो पैगंबर मोहम्मद है वो उस इस्लाम धर्म के संस्थापक है, और जो कुरान उसकी जो इस्लाम धर्म की बुक है, पवित्र बुक है। नेक्स्ट है द क्रिश्चियन गो टू द चर्च टू प्रे। जो ख्रिस्ती है वो कहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए, तो के चर्च में जाते हैं। देखो यहाँ पे ये उनका चर्च है ख्रिस्ती धर्म लोगों का। लॉर्ड जीसस क्रिस्ट इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, द बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो लॉर्ड जीसस क्रिस्ट उनके जो ख्रिस्ती धर्म के संस्थापक है, और उसका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, द बाइबल, यानी कि बाइबल उसका ख्रिस्ती धर्म का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है जैन टेम्पल देरासर टू वर्शिप। तो ये जैन धर्म के लोगों का जो है मंदिर है, वो पूजा करने कहाँ पे जाते हैं, देरासर। इसको क्या कहते हैं, देरासर कहते हैं। वर्तमान महावीर द 24 तीर्थंकर इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के जो वर्तमान महावीर, उसके जैन धर्म के स्थापक है, संस्थापक है। जैन्स ऑल्सो वर्शिप अदर तीर्थंकर। तो जो जैन लोग होते हैं वो अन्य जैन लोगों की वर्शिप यानी कि पूजा करते हैं। द कल्पसूत्र इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म। तो उसकी जो पवित्र धर्म ग्रंथ जैन लोगों का क्या है, कल्पसूत्र, वो उसकी बुक है। नेक्स्ट पेज बुद्धिस्ट गो टू द विहार टू वर्शिप। तो बुद्ध लोग हैं वो विहार, ये उसका मंदिर है, वो वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। लॉर्ड गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म के फाउंडर यानी कि उसके स्थापक कौन है, लॉर्ड भगवान गौतम बुद्ध। द त्रिपिटका इज द होली बुक ऑफ बौद्धिज्म।
तो उस धर्म की जो पवित्र बुक है कौन सी है, त्रिपिटक, उसकी पवित्र उसका ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है सिख। सिख गो टू द गुरुद्वारा टू वर्शिप। सिख लोग है वो कहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए, गुरुद्वारा। तो ये सिख धर्म का जो है उसका ये मंदिर यानी कि उसका गुरुद्वारा, जो उसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो गुरुद्वारा गुरु नानक है वो सिख धर्म के संस्थापक है। द ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिखिज्म। तो उसका सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ का नाम है ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट है पारसी गो टू द फायर टेम्पल अग्यारी टू वर्शिप। तो पारसी कौन है जो पूजा करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, फायर टेम्पल्स मीन्स अग्यारी में वो पूजा करने जाते हैं। जोरोस्ट्रीजिज्म इज थे रिलीजियंस, यानी कि ये पारसी लोगों का उनका धर्म है। जराथुस्त्र इज देयर फाउंडर ऑफ जोरोस्ट्रीजिज्म। तो जो जराथुस्त्र है वो पारसी धर्म का संस्थापक है, पारसी धर्म के। द एवेस्टा इज द होली बुक ऑफ जोरोस्ट्रीनिज्म। तो उस पारसी धर्म की जो पवित्र ग्रंथ क्या है, एवेस्टा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमें एक्सरसाइज दी गई हुई है। क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए एंड बी, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ कॉलम बी इन द बॉक्सेस गिवन इन द कॉलम ए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है और उसका आंसर हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कॉलम बी का आंसर कॉलम ए में, यहाँ पे हमें बॉक्स दिए गए उसमें उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है हिंदुज़म। तो हिंदुज़म का तो उसका जो ग्रंथ है तो कौन सी है, उसकी होली बुक द श्रीमद् भागवत गीता। सेकंड इस्लाम। तो इस्लाम में कौन सा नंबर आएगा, तो कि नंबर 4 द कुरान। सिखिज्म। सिखिज्म में कौन सा आएगा, द ग्रंथ साहिब। फिर है बुद्धिज्म, तो उनका आएगा द त्रिपिटकम, त्रिपिटिका। फाइव नंबर है क्रिश्चियनिटी, तो उसकी आएगी द बाइबल यानी कि सेकंड नंबर। एंड जोरोस्ट्रीनिज्म यानी कि जो पारसी धर्म के लोग हैं उनकी बुक कौन सी है, तो उनकी बुक है ये द एवेस्टा। तो आपको ये होमवर्क में राइट गिवन आंसर इन योर वर्क बुक, आपको अपनी वर्क बुक में ये जो आंसर है वो लिखने हैं।